न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे हम लोग, 1 से 9 तक लगा लिए थे। दसवां का क्वेश्चन देखना, इसमें कह रहा है प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं यक्स अक्ष पर बिंदु ए जीरो तथा माइनस ए जीरो पर स्थित है। पहला बात इसमें है चित्र द्वारा इनकी स्थिति दर्शाइए, और दूसरा बात इसमें है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि वाई अक्ष के किसी भी बिंदु पर जो विभव होगा भी बराबर 1/4π ε0 2q√a² + y² होगा। देखो भाई, प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर चतुर्थांश, देखो भाई ये होता है यक्स और ये होता है यक्स डैश, इस पर पॉजिटिव दूरियां ली जाती हैं और इस पर निगेटिव आती हैं, और ये होता है मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0 0। ऐसे ये वाई अक्ष होता है और ये वाई डैश अक्ष होता है, ये हो गया आपका मूल बिंदु 0 0। यक्स अक्ष पर कौन सी दूरियां लेनी है हमको भाई, ए जीरो। यक्स अक्ष पर ए जीरो मतलब क्या हुआ, एक्स पर ए दूरी जाना है पॉजिटिव में और वाई अक्ष पर जीरो जाना है। तो ऐसे दिखाते हैं ना जी, एक्स वाई पहला दूरी यक्स का, दूसरा दूरी वाई का, तो ए पर यहाँ पर कितना जाना है, ए जाना है, ये दूरी हो गई ए, और वाई एक्स पर कितना जाना है, जीरो। तो वाई एक्स पर कहाँ रहेगा, वहीं, तो ये दूरी हमको मिल जाएगी। फिर से एक्स एक्स हमको कितना जाना है, माइनस ए जीरो, माइनस ए जीरो मतलब एक्स एक्स पर माइनस ए दूरी, और माइनस ए दूरी किधर जाएगी, ऋणात्मक वाली इधर आ जाएगी, ये मान लो बिंदु आ गई माइनस ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे नहीं, बस यहाँ पर ऋण चिन्ह बता रहा है कि एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं तरफ है, और पॉजिटिव चिन्ह बता रहा है कि मूल बिंदु के दाईं तरफ है, और वाई एक्स पर कितना जाना हमको, जीरो जाना है। अब इसमें पूछा क्या भाई, पहला बात चित्र द्वारा इनकी स्थिति दर्शाइए, दर्शा दिए यार चित्र द्वारा इनकी स्थिति। यहाँ पर एक आवेश है कितना, प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है, चित्र द्वारा इनकी स्थिति दर्शा दी गई। अब दूसरा बात क्या पूछ रहा है भाई, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव, यहाँ पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात कर लें और इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात कर लें। हमारे पास आवेश भी है और दूरी भी, विभव निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, मूल बिंदु पर विभव, मूल बिंदु पर विभव पहले निकालोगे, वी वन बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π ε0 q/r, r का वैल्यू क्या है a, तो वी वन का मान मिल जाएगा 1/4π ε0 q/a। इसी प्रकार से वी टू बराबर आप निकाल लोगे 1/4π ε0 q/a, ये वी टू बराबर हो जाएगा। भाई दूरी थोड़ी ना हम ऋणात्मक लेंगे, अगर आवेश ऋणात्मक होता तो हम ऋणात्मक वैल्यू रख लेते। अगर कुल विभव की बात करें, भी बराबर भी वन प्लस भी टू, भी वन का मान है 1/4π ε0 q/a और प्लस 1/4π ε0 q/a, ये हम निकाल रहे हैं किसके लिए, जब यह वायु या निर्वात में है तब के लिए हम इसको निकालना है। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे जी, जोड़ लेंगे, तो भी बराबर मिल जाएगा 2×1/4π ε0 q/a, यह मिल जाएगा मूल बिंदु पर कुल विभव का मान। अगला बात इसमें क्या पूछा है भाई, देखो अगला बात पूछा है इसमें, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव निकालिए, सिद्ध कीजिए कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव भी बराबर 1/4π ε0 q/√a² + y² होगा। मूल बिंदु के किसी बिंदु पर हमको विभव का वैल्यू निकालना है, मूल बिंदु के किसी बिंदु पर विभव का मान बतलाना है हमको। मान लो इस मूल बिंदु पर कहीं तुम कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पर ले लिया हमने मूल बिंदु से वाई एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम कर दो यार, कोई नाम रख दो, और यहाँ से यह दूरी कितनी हो जाएगी, वाई अक्ष पर कोई दूरी नहीं तो हम इसको वाई लिख सकते हैं, वाई लिख देंगे हम इसको। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए,
विभव चाहिए। विभव निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इस आवेश से यहाँ तक की दूरी चाहिए और इस आवेश से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो यहाँ से इसको हम मिला देंगे। अब देखो भाई, ये हो गया तुम्हारा आधार, ये हो गया लंब, और इसका वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से ये दूरी भी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालना, इसका नामकरण कर दो यार, कोई भी नाम रख दो, ए रख दो बड़ा वाला, हाँ। तो ये वाई एक्स ही तो है, ये वाई एक्स पे ही तो निकाल रहे हैं हम। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के किसी भी बिंदु पर हमको विभव निकालनी है, तो हम यहाँ पर, यही तो वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम विभव निकाल रहे हैं, पॉइंट ए कर दिया। हम कह दें यहाँ पर वाई अक्ष के, वाई अक्ष पर बिंदु ए पर विभव, कुल विभव कर दें, बिंदु ए पर कुल विभव वाई एक्स पर हमको निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से निकालोगे वी वन बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा, दूरी कितनी है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वी टू बराबर मिल जाएगा आपको एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम कुल विभव निकालेंगे तो वी बराबर क्या हो जाएगा जी, वी वन प्लस वी टू हो जाएगा। वी वन का मान एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जोड़ लेंगे हम यहाँ से दोनों को, तो हमको वी बराबर मिल जाएगा एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू क्यू बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई अक्ष के किसी भी बिंदु पर विभव कितना मिल जाएगा, वी बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू क्यू बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। देखो भाई, एक पॉइंट है यहाँ पर बिंदु ए, यहाँ पर जो आवेश रखा है उसका वैल्यू दिया हुआ है क्यू वन बराबर 9 माइक्रो कूलाम। यहाँ पर जो Q2 है बिंदु B पर, उसका आवेश है -2 माइक्रो कूलाम, और इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है जी, 5 मीटर। दोनों से 3 मीटर की दूरी, दोनों से 3 मीटर की जो दूरी होगी इसके ठीक बीचों बीच में तो हो नहीं सकती है, थोड़ा सा ऊपर होगी, बहुत बारीक यहाँ पर होगी लगभग, बात समझ रहे हो। तो यहाँ से इस पॉइंट पर, मान लो पॉइंट O हो गया, इस आवेश के कारण हमको यहाँ पर विभव निकालना है, और इस आवेश के कारण हमको यहाँ पर विभव निकालना है, और इन दोनों विभव को जोड़ लेना है और कुल विभव बतला देना है। अब तुम सोचोगे सर ये दूरी कितनी है, ये दूरी 3 मीटर ही है, क्योंकि 3 मीटर की दूरी पर कहा हुआ है, तो ये दूरी हम ले लेंगे 3 मीटर, और ये अभी दूरी कितनी हो जाएगी 3 मीटर। भाई 5 मीटर इसके मध्य बिंदु पर ना 5 मीटर मिलेगा, थोड़ा सा तिरछा जाओगे दूरी बढ़ नहीं जाएगी, थोड़ा सा तिरछा अगर हम जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी कि नहीं, इसीलिए तो हमने इसके मध्य, इसके अक्ष पर नहीं लिया हुआ बिंदु, इसके अक्ष से थोड़ा ऊपर आ रहा है आपके पास, समझ रहे हो। अब इसी प्रकार से Q1 के कारण यहाँ पर विभव निकाल लो और Q2 के कारण यहाँ पर विभव निकाल लो। अगर हम Q1 के कारण विभव निकालेंगे, Q1 के कारण बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव, तो देखो भाई V1 बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे R1, Q1 बटे R1, तो V1 बराबर हो जाएगा एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे
आर वन का मान कितना ले लोगे, तीन, क्यू वन बटे तीन, क्यू वन का मान भी हम पुटअप कर सकते हैं, बाद में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। इसी प्रकार से क्यू टू आवेश के कारण, क्यू टू के कारण बिंदु ओ पर विभव वी टू बराबर हो जाएगा एक बटा फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू क्यू टू बटे आर टू। तो यहाँ से मिल जाएगा वी टू बराबर एक बटे फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू क्यू टू बटे तीन। कुल विभव निकालना बिंदु ओ पर, कुल विभव वी बराबर क्या हो जाएगा जी, वी वन प्लस वी टू, वी वन का मान दिया एक बटा फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू क्यू वन बटे तीन प्लस एक बटा फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू क्यू टू बटे तीन। कुछ कॉमन बन सकता है यहाँ से, एक बटे फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू वन बाई थ्री ब्रैकेट में क्यू वन प्लस क्यू टू। क्यू वन और क्यू टू का मान हम यहाँ पर पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा नौ गुणे दस के पावर नौ। एक बटे फोर पाई एफ सेलन नॉट का मान कितना होता है, एक बटे नौ गुणे दस के पावर नौ गुणे एक बटे तीन। क्यू वन का मान दे रखा है नौ माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को हम क्या करें, कूलाम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा नौ नौ गुणे दस के पावर माइनस छः कूलाम, और ये हो जाएगा माइनस दो गुणे दस के पावर माइनस छः कूलाम। दूसरा आवेश ऋणात्मक चिन्ह के साथ है तो इसके ऋणात्मक चिन्ह के साथ पुटअप कर देंगे हम। तो देखो भाई, नौ में से दो गया सात, तो भी बराबर आ जाएगा तीन त्रिका नौ, दस के पावर नौ, तीन गुणे दस के पावर नौ गुणे सात गुणे दस के पावर माइनस छः। कैलकुलेशन करेंगे इसका, सात त्रिक इक्कीस गुणे दस के पावर नौ में से छः गया तीन, इक्कीस गुणे दस के पावर तीन बोल्ट होगा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। देखो भाई, यहां पर दिया है प्लस क्यू आवेश और यहां दिया है माइनस थ्री क्यू आवेश, और यहां से यहां तक की दूरी जो है वह एक मीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है जी, एक मीटर है। अब इस इन दोनों आवेशों के बीच में किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान शून्य होगा, ये बतलाना है आपको। अब देखो भाई, ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। विभव निकालने के लिए आवेशों को उनके चिन्ह के साथ पुटअप किया जाता है। जब आवेशों को उनके चिन्ह के साथ पुटअप किया जाएगा तो इससे जो विभव प्राप्त होगा वो पॉजिटिव होगा और इससे जो प्राप्त होगा वो निगेटिव होगा। मान लो यह वह बिंदु है जहाँ पर विभव शून्य है, हमने मान लिया कि वो वह बिंदु है जहाँ पर विभव शून्य है, तो यहाँ से यह जो दूरी है x है तो ये दूरी बताओ कितनी होगी, 1 माइनस एक्स। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु O पर विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु O पर विभव भी वन बराबर हो जाएगा आपके पास एक बटा फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू क्यू बटे आर, आर का मान क्या है एक्स है। इसी प्रकार से माइनस थ्री क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव, बिंदु ओ पर विभव भी टू बराबर एक बटा फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू माइनस थ्री क्यू बटा वन माइनस एक्स। यहाँ से देखो ये हो जाएगा वी टू बराबर माइनस एक बटा फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू थ्री क्यू बटे वन माइनस एक्स। अगर यहाँ पर विभव शून्य है, कुल विभव क्या होगा, शून्य होगा, तो आपको मिल जाएगा बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर कुल विभव, कुल विभव भी वन प्लस भी टू बराबर जीरो।
या हम यह कह सकते हैं V1 और V2 का मान आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। V1 और V2 का मान आपस में बराबर होगा तभी तो यहाँ 0 आएगा। तो ये V1 और V2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर V1 का मान है 1/4πε0 इंटू Q/x माइनस 1/4πε0 इंटू 3Q/1 माइनस एक्स का इजकल टू 0। इस पूरे पोर्शन को हम उधर भेज देंगे तो ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/x बराबर होगा 1/4πε0 इंटू 3Q/1 माइनस एक्स का, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1/x इजकल टू 3/1 माइनस एक्स का, इसका त्रिअक मल्टीपल करेंगे 1-x इजकल टू 3x का, इसको उधर भेज दो 4x बराबर 1 का, x बराबर 1/4 मीटर। प्लस क्यू आवेश से 1/4 मीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा। 1/4 मीटर का मतलब क्या होगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या करोगे, 100 का गुणा कर दोगे, 25 × 100 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। प्लस क्यू आवेश से 25 सेमी की दूरी पर, 25 सेमी की दूरी पर किधर, दाएं तरफ, 25 सेमी की दूरी पर दाएं तरफ जो विभव का मान होगा वो 0 होगा। अब इसमें एक चीज़ और पूछ रखा है कि तीव्रता कहाँ 0 होगी, नोट करो इसको, फिर तीव्रता निकालते हैं। अब पूछ रहा है इसमें विभव कहाँ 0 होगा, विभव तो निकाल दिया, तीव्रता कहाँ पर 0 होगी, तीव्रता हमको निकालनी है। अब देखो भाई, अगर इनके बीच में हम बात करें कि कहीं पर तीव्रता 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उस तीव्रता की दिशा किधर होगी, प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर, मतलब यहाँ से जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा इधर जाएगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है वो माइनस क्यू आवेश की ओर ही होती है, अर्थात इससे जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी भी दिशा उसी तरफ होगी। तो इसके बीच में जब दोनों सेम दिशा में हैं और तीव्रता के फॉर्मूले में क्यू का मान का हम सिर्फ परिमाण लेते हैं उसकी दिशा नहीं लेते हैं, तो क्या यह कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इनके बीच में तो 0 होने की संभावना ही ख़त्म है, 0 कहाँ हो सकता है। ये अगर हम यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा इधर होगी, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा इधर होगी, यहाँ 0 हो सकता है, या तो यहाँ 0 हो सकता है। यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर, तो इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी यहाँ पर, इसकी जो दिशा होगी प्लस क्यू आवेश के कारण E1 वह इधर होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा इधर होगी E2। अब E1 और E2 आपस में अगर बराबर हो जाएं तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम कर दो O, इस बिंदु O पर तीव्रता 0 मिल जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर यहाँ से ये दूरी x है तो आप कह सकते हो प्लस q आवेश से, प्लस q के कारण बिंदु O पर तीव्रता, बिंदु O पर तीव्रता, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r2। r का मान क्या है यहाँ पर, x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से -3Q आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 इंटू 3Q/1 + x का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने ऋणात्मक चिन्ह के साथ आवेश को नहीं लिया, आवेश का सिर्फ हम परिमाण लेते हैं तीव्रता में, उसका चिन्ह नहीं लेते हैं, लेकिन विभव में चिन्ह भी लिया जाता है। तो अगर बिंदु O पर विभव 0 है, बिंदु O पर विभव 0 है, जब बिंदु O पर विभव 0 है, यदि बिंदु O पर विभव 0 है तो E1 इजकल टू E2 का होगा। E1 का मान 1/4πε0 इंटू Q/x² बराबर होगा 1/4πε0 इंटू
थ्री क्यू बटे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर वन अपॉन ये थ्री बचा ऊपर, थ्री अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में थ्री वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू रूट थ्री का वैल्यू 1.732 भागा वन प्लस एक्स, त्रिय गुणा कर दो, वन प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 1.732, एक्स का पक्षांतर कर दो 1.732 एक्स माइनस एक्स बराबर एक का 0.732 एक्स बराबर एक का, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स बराबर एक बटे 0.732 मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स का जो मान निकल करके आएगा 1000 बटे 732 मीटर का, तो एक्स का मान आ जाएगा 1.08। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1.08 के नियर अबाउट इसका वैल्यू आएगा। कितना दिया भाई इसमें आंसर में, 136.6 आएगा जी, 136.6 सेंटीमीटर। देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा, टू रूट टू मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2×10⁻⁶ कूलम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव बतलाना है। देखो भाई वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, जो इनके विकर्णों का कटान बिंदु होगा वही तो मध्य बिंदु होगा, तो ये इसका विकर्ण हो गया। अगर हम इस वर्ग का नामकरण कर दें तो इसका नामकरण होगा ए बी सी डी, इसके कोने हो गए, इसका विकर्ण ये हो गया बी डी और एक विकर्ण यह होगा सी डी ए सी का, इसका मध्य बिंदु आएगा यहाँ पर ओ, यहीं पर हमें कुल वैद्युत विभव की गणना करनी है। प्रत्येक कोने पर आवेश का वैल्यू बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर जो आवेश रखा है प्लस 2×10⁻⁶ कूलम, यहाँ पर जो आवेश रखा है प्लस 2×10⁻⁶ कूलम, यहाँ पर जो आवेश रखा है प्लस 2×10⁻⁶ कूलम, यहाँ पर जो आवेश रखा है प्लस 2×10⁻⁶ कूलम, ये जो दूरी दिया है टू रूट टू मीटर, तो यह भी दूरी हो जाएगी टू रूट टू मीटर, और यह भी दूरी हो जाएगी टू रूट टू मीटर, और यह भी दूरी हो जाएगी टू रूट टू मीटर। तो इन दूरियों यहाँ पर तो हमसे पूछ नहीं रहा यार, केंद्र पर पूछ रहा है, तो हमको दूरी कौन सी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लिए तो हम बड़े आराम से बता देंगे इस आवेश के कारण यहाँ कितना विभव उत्पन्न होगा, इस आवेश के कारण यहाँ कितना विभव उत्पन्न होगा, इसके कारण यहाँ कितना विभव उत्पन्न होगा, इसके कारण कितना विभव उत्पन्न होगा, फिर सभी को जोड़ लेंगे तो हमको कुल विभव का मान पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे जी, इस दूरी को निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो देख लो, हम बात कर लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी ये है तुम्हारा त्रिभुज ए डी सी, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं इसमें हम लोग। तो कर्ण का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी का मान दिया है टू रूट टू का स्क्वायर और प्लस टू रूट टू का स्क्वायर, 4×2+4×2 8+8, तो ए सी स्क्वायर का मान मिल गया 16। तो ए सी स्क्वायर का मान 16 है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट में 16 का, तो ए सी बराबर सर आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर का ए सी बराबर कितना मिल गया,
चार मीटर। अगर AC बराबर चार मीटर है तो इसका जो मध्य बिंदु है AO जो है वो AC का आधा होगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, दो मीटर। अगर ये दूरी दो मीटर है तो ये भी दूरी दो मीटर मिलेगी, ये भी दूरी दो मीटर मिलेगी और ये भी दूरी दो मीटर मिलेगी। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आवेश का मान और दूरी का मान सबके लिए सेम है। तो अगर हम एक के लिए निकालेंगे और उसमें चार का गुणा कर देंगे तो चारों के लिए निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्योंकि सभी आवेश सेम परिमाण के और सेम प्रकृति के हैं। तो यहाँ से हम निकाल दें कुल विभव, कुल विभव पहले एक आवेश के कारण किसी के कारण निकाल लो भाई। अगर किसी आवेश के कारण हम निकालते हैं तो भी वन बराबर आपको मिल जाएगा एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन बटे आर वन से, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको भी वन बराबर नौ गुणे दस के पावर नौ गुणे क्यू वन का मान दो गुणे दस के पावर माइनस छः बटे आर वन का मान दो का, दो से दो कैंसिल हो गया तो भी वन बराबर मिल गया नौ गुणे दस के पावर तीन वोल्ट, ये भी वन बराबर मिल गया। इसी प्रकार से अगर हम निकालेंगे तो जो वी टू का मान मिलेगा, जो वी थ्री का मान मिलेगा, जो वी फोर का मान मिलेगा वह भी नौ गुणे दस के पावर तीन वोल्ट ही होगा। अगर हम कुल विभव की बात करें, कुल विभव कितना आ जाएगा, तो कुल विभव केंद्र पर कुल विभव भी बराबर भी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर का, तो भी बराबर हो जाएगा नौ गुणे दस के पावर तीन प्लस नौ गुणे दस के पावर तीन प्लस नौ गुणे दस के पावर तीन प्लस नौ गुणे दस के पावर तीन, नौ चौक छत्तीस गुणे दस के पावर तीन का, या हम लिख सकते हैं तीन दशमलव छः गुणे दस के पावर चार वोल्ट। केंद्र पर जो टोटल विभव होगा तीन दशमलव छः गुणे दस के पावर चार वोल्ट का होगा।